मैं करे जा रहा हूँ, बाल निकले जा रहे हैं भाई साहब, इतने बाल हो रहे हैं। बैग है तो बेस्ट ऑफ लक, जल्दी ठीक हो क्या आऊंगा बोलो। ठीक हो क्या जाएगा, धरी इमोशनल हो रहा है, रो रहा है। अरे ठीक हो क्या जाएगा यार, गुड मॉर्निंग। सुबह से इतना उधम काटा हुआ है, इतना उधम कोई कह गए बीमार ही है। चलो यार उठे, रेडी वेडी हुए, आज बहुत लंबा सफ़र होने वाला है। सो सुबह सुबह गोस्ट हुआ के पता नहीं आज कैसे बेड पे बैठ गया, बहुत ही सरप्राइजिंग है। इस बेड पे मैक्स होता है, ये रमक्कू। सो ये देख रहे हो, अभी देखो ब्लड, यहाँ पे भी थोड़ा ब्लड है। जब इस खेल के सोता है ना तब इसको स्पेशली ब्लीडिंग होती है, ये मेरे को समझ में नहीं आया क्या रीज़न है। खैर अभी ये रेस्ट कर रहा है, मैं बार गोस्टू के ना वो कोम कर देता हूँ गोस्टू को। सो बेसिकली क्या होता है ना, जब गर्मियाँ आती हैं तो गोस्ट भी अपना जैकेट उतारता है, जैसे हम उतार रहे हैं। तो ये इसके जो अंदर का कोट है, जो वार्म कोट होता है, इनर कोट कहते हैं जिसे, वो इसे शेड कर देता है। अभी अपने आप जितना निकल जाता है, जैसे इस एरिया का अपना आप निकल गया, देख लो इस एरिया का नहीं निकला। तो इसको हम ब्रश के सहारे बस कंघी करेंगे ना तो ये बाल निकलते रहेंगे। जैसे देखो ये अपना आप ही निकल रहा है, धीरे धीरे झड़ जाता है अपना आप ये, पर बहुत अनटाइडी होता है। तो एक बार ही निकालते तो घर वाले थोड़ा सुकून में रहते हैं। मैक्स बाबा ये देख तो, यहाँ दिखाओ तो एक बार, यहाँ दिखाओ, ये देख लो दोस्तों, ये अभी भी निकला है ब्लड। बाबा दिखा दो, सिर्फ एक ही नोज से आ रहा है, पर ये राइट जो इधर वाली नोज है ना, इस साइड वाली। बच्चा यार चलो, तो जा ही रहे हैं इलाज कराने के लिए। आज हमने डिसाइड किया हम हल्द्वानी तक जाएंगे यार, बहुत लंबी जर्नी हो जाएगी ना मैक्स के लिए, डिफिकल्ट हो जाएगा। खास हल्द्वानी से हम अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे 5 बजे के आसपास, तो हम पहुँच जाएंगे गुड़गांव। ये देखो ब्रश है ना, मैं ब्रश को हल्के से चला रहा हूँ, ये ब्रश चला, ये देखो ये लूज बाल आ गए। अब मैं सारे बाल करके दिखाता हूँ आपको कितने निकलते हैं, ठीक है। देख रहे हो आप, बाल ही बाल हो गए हर जगह पे, जहाँ भी देखो बाल ही बाल, बाल ही बाल। मैं करे जा रहा हूँ, बाल निकले जा रहे हैं भाई साहब, इतने बाल हो रहे हैं। ये ब्रश उतना सही नहीं लगा यार मुझे, पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। हम इससे पहले हम दूसरा यूज़ करते थे, फर्बिनेटर वाला, वो ज़्यादा बेटर था। इसमें बाल ना बिखर रहे हैं, उसमें बाल बिखरते नहीं थे। एक तगड़ा वैक्यूम क्लीनर भी आया हमारे पास, पर वो शुभ्र लेके गया हुआ कहीं, तो अभी है नहीं, तो इतना मैसी नहीं होता और आसान होता थोड़ा। मैं कर ही देता हूँ जाने से पहले, जब बाल हट जाएंगे ना तो उसको भी थोड़ी गर्मी कम लगेगी ना। अभी तो जैसे यहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, गोश्त के हिसाब से तो काफ़ी ठंड है, तो सही है। कंघी से तो काफ़ी देखो क्लीन हो गया गोश्त, तो अभी ना बाकी मैं फिर क्या करता हूँ ना, आखिरी आखिरी में हाथ से निकाल देता हूँ बाल लगे गुच्छे जो होते ना, जहाँ जहाँ पे कंघी से नहीं निकल पाते वहाँ से ही ऐसे थोड़े थोड़े करके, जो लूज़ बाल हैं, जितने भी लूज़ बाल दिख रहे हैं ये सब हाथ से निकल जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे करना ना, मज़ा आता है, बहुत ही सेटिस्फाइंग है। गोश्त को भी हाथ से मैं करता हूँ, तो हल्के हाथ से करता हूँ, खींचता नहीं हो जा रहा जोर से बाल, तो गोश्त को भी ठीक लगता है। अभी क्या है ना कि जितने बाल मैं अभी निकाल दे रहा हूँ, ये बाल बेसिकली घर में हर जगह नहीं झड़ेंगे। ये देखो इतने तो निकाल ही चुका हूँ भाई साहब, एक कुत्ता बन जाए छोटा पोमेरियन, यहाँ वहाँ हर जगह बाल ही बाल पड़े, तो वाइट फ्लोर है ना, दिख नहीं रहा है। नहीं तो ऐसे देखो, ये देखो कितने बाल हैं, अभी भी गोश्त पे काफ़ी दिख रहे हैं बाल। भाई काम वाली दीदी आएगी ना, ओ भाई ये क्या हो गया, अरे 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 अरे, गाली पड़ेगी भाई, ये कहाँ से आ गए बाल। अभी थोड़ा रहते ही इशू, आ जाओ साइड कर देते हैं इन बालों को। सो काफ़ी तो निकल गए बाल गोश्तू के ना, ज़्यादा नहीं करता हूँ, मतलब ये ठीक है, इतने निकल गए कि थोड़ा मतलब हफ्ते भर का काम चल जाएगा, हफ्ते भर में तो हम वापस आ ही जाएंगे। जा गुड बॉय। ये देखो दोस्तों ये बना दिया हमने, इसके नीचे मैंने अपना सूटकेस रख दिया है, तो काफ़ी मेरे ख्याल से मक्कू के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो गए आराम से। ये थोड़ा यहाँ पे भी कुछ सामान डाल देते हैं ताकि स्टेबल हो जाए। चलें दादी को बाय करो, बाय कर दो, बेस्ट ऑफ लक, जल्दी ठीक हो क्या आऊँगा बोलो। ठीक हो क्या जाना, चलो आओ फोन में बता, आओ। गोश्त के बिना तो ये भी कहीं नहीं जाता, गोश्त तो बहुत उदास होगा अगर गोश्त को ले जाते, इसको नहीं ले जाते ना, ये तो बहुत ही सैड हो जाता, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ना गोश्त से। अभी सूंघ रहा था ना तो एकदम से ब्लड निकल गया बस। चलो कल तो हम मैम को दिखाई देंगे, कल यहाँ से अभी हल्द्वानी, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, दिन तक हम पहुँच जाएंगे गुड़गांव। जब ब्लड निकलता है ना तो बड़ा यार डर सा लगता है, घबराहट होती है लाइफ में यार, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं है ना, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, बट इस बीच हमारे कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं अप्स एंड डाउन, कुछ ज़्यादा ही। हाँ मम्मू को देख लीजिए,
कुछ लगा हुआ है। वो ब्लड निकलाना अभी मुंह से नहीं, नाक से निकला तो वो पोछा तो मुंह में लग गया। अरे कैसे चढ़ रहा है, अरे पागल ज्यादा एक्साइटेड हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। अरे 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 प्यार से प्यार से प्यार से, अरे प्यार से। ये मैक्स बैठा हुआ है, धरी इमोशनल हो रहा है, रो रहा है। गुम्मी चले गुम्मी गुम्मी, धरी को बाय बोला। इमोशनल हो रहा है, अरे ठीक हो गया जाएगा यार। बाय, चल बाय धरी, टाटा। परेशान मत हो यार, इलाज कराने तो जा रहे हैं मस्त, एकदम बढ़िया। बाय बाय, चलो चलो मैं नहीं करता, उल्टी करेगा मैं से उतार दूंगा भाई, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। हाँ फोन कर लो। हाँ ठीक है ठीक है, बेल्ट लगा ले। दोस्तों फाइनली हम निकल गए, मैक्स ने अपना मुंडा बाहर निकाल दिया। पता नहीं यार अभी तक ना ब्लीडिंग ऐसा इतनी ज्यादा नहीं थी, एक दो ड्रॉप निकल रही थी दिन की, पर जैसे गाड़ियां बैठे तब से ना ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। मतलब समझ नहीं आ रहा क्या रीजन है, बड़ी साला जर्नी बैठती मतलब ऐसा हो गया ना स्ट्रेस टाइप का। और अब दवाई भी मैम से पूछता हूँ कोई ऐसी इसकी ब्लड रोकने वाली दवाई, वो यहाँ मिलेगी भी नहीं। अब दो तीन घंटे बाद ही अगला छोटा शहर आएगा तो वहाँ मिलेगी वो दवाई। अब तो हल्की हल्की सी बारिश होने लगी है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया है। हम जहाँ से जा रहे हैं ना वो जगह वैसे ही थोड़ी ठंडी है, तो मैक्स को थोड़ा रिलैक्स हो गया ना इसके, मैक्स से काफ़ी ब्लड निकलने लगा था गाड़ी में बैठती है, पता नहीं क्यों, तो काफ़ी टेंशन हो गई थी हमें। बट अभी टच वुड अभी थोड़ा सा रुक गया है, तो होपफुली ये सफ़र आराम से निकल जाए हमारा। हल्द्वानी पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर कोई दवाई वगैरह मैम से पूछ के फिर दे देंगे मैक्स को, जिससे ऐसी कोई ब्लीडिंग वगैरह थोड़ी कंट्रोल हो सके। हेलो चूहे, ए रोड साइड से देख के अश्विन, देखो ये ब्लड लगा हुआ है मैक्स का, अभी तो ब्लीडिंग रुक गई यार, बाप रे पोर में फट गई बता, पर सही है। थोड़ा वॉक करा दे अश्विन, बाय द वे ये मेरा छोटा भाई है, यहाँ देखियो ये, तो ये जा रहा है हल्द्वानी, तो मैं कहता साथ ही चल जाएगा, तो मैक्स को अकेले ले जाना नहीं पड़ेगा ना, साथ में एक बंजना होगा तो थोड़ा सही रहता है। तो पीछे बैठ गया ये मैक्स के साथ तो थोड़ा कम्फर्टेबल रहता है ना, मैक्स का भरोसा नहीं, खिड़की से कूद मार दे कुछ मार दे। चुच्चू गल चुनिया चुच्चू गल, करो करो आ जा, बाप की रोड नहीं है साले। अबे गाड़ी आ रही, ओए पकड़ अश्विन गाड़ी आ रही, हाइपर हो रहा है भाई, पकड़ ले सड़क है वो, देख दो कुत्ते भाग रहे हैं। जाओ मत तू जाओ, हम खाना खाने के लिए रुके थे, मैक्स ने पॉटी भी कर ली, चलो जाओ बाबू। अरे मूड नहीं क्या, अच्छा वो ले रहा था रन अप, चढ़ा दे भाई उसको, चढ़ा दे यार चढ़ा दे, गुड बॉय। दोस्तों पेड़ देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, लाल येलो, इतना प्रिटी सीन है यार, इतना सुंदर लग रहा है, स्प्रिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल यार। पहाड़ों से नीचे उतर जाओ ना दोस्तों, तो ये भसड़ भीड़ भड़ाका लोग गर्मी धुआं ये सब देख के ना मतलब मन खराब होता है पता है, पर वही यार जीवन की सच्चाई है दोस्तों, पहाड़ों पे इलाज नहीं होता, बाकी सब तो बढ़िया है। उसके लिए चाहे आपको अपना इलाज कराना हो चाहे बच्चों का, आपको आना तो नीचे ही पड़ेगा, मन नीचे मतलब प्लेन्स पे। सो हम लोग हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं, मेरे ख्याल से यहाँ से एक घंटा और लगेगा। द रोड इज़ वेरी ब्यूटिफुल और मौसम बहुत सुहाना है। मैक्स थोड़ा सा परेशान होने लगा है, तो अच्छा ही करा हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, हल्द्वानी रुक जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप इमेजिन करो यहाँ से अभी 6-7 घंटे का सफ़र और करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैक्स के लिए। अब आज रात आराम कर लेगा फिर कल फ्रेश एकदम जाएंगे हम। मक्कू पहली बार ऐसे चमक धमक में आया है, वैसे मक्कू पैदा तो ऐसी जगह पर हुआ था, चंडीगढ़ से आया ना मक्कू, पर इस तरह की चमक धमक की आदत नहीं है हमारे मत्तू लाल को। मत्तू यहाँ सुचु पोती नहीं करना, बेतू हाँ पिथौरा करनी है, यहाँ मार पड़ती है मार, तेरे को तो कोई कुछ पेलेगा नहीं, मेरे को पेलेंगे। ब्रो आई एम गोइंग बिकॉज मैक्स इज हंग्री, उसको खाना खिलाना प्रायोरिटी है। अच्छे जाना, अरे भाई कैमरे के लिए भी प्यार दिखा दिया, मतलब दिखा दिया कैमरे के लिए ही सही, प्यार नहीं प्यार से नहीं लाया मैं तेरे को। ओके ब्रो प्यार से नहीं लाया हूं, ठीक है भाई मैं प्यार से लाया हूं, सुला सुला के खिला पिला के सब भी खिला दिया, और क्या प्यार चाहता तू कुछ और।
प्यार। हम घर पहुंच गए ना और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैक्स कोस्ट को ढूंढ रहे हैं, मतलब पूरे घर में इधर से उधर भागे जा रहा है। शांत हो जा पप्पू, शांत हो जा। हाँ शांत हो जा भाई, क्या हुआ? हाँ 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 जाओ यारे रूम में, सारे रूम की तहकीकात करो। गुड करो करो, ये हल्द्वानी वाला घर है दोस्तों हमारा, हमने किराए पे लिया हुआ है, बट मतलब हमारे ही दादा का घर है तो सही है, सॉर्टेड है। क्या हुआ पप्पू, कहाँ जाना है? मक्कू बेचारा ना यहाँ बैठा हुआ है, इसका ना ये खाना बन रहा है। यार हम अब इतना लेट पहुँचे, अभी लेट तो मतलब 9 बज गया है, वैसे तो ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ है, बट मैक्स यूजुअली खा लेता है खाना 5 बजे। अरे बैठो ना, मैं बच्चा कह रहा होगा पापा कहाँ लाया है यार तू, ना टाइम पे खाना दे रहा है, रास्ते पर इतना तकलीफ में लाया है। बेटू क्या करूँ, मजबूरी है ना, मजबूरी है ना, पापा कर लेना पर इतना मेहनत कर लेना दिल्ले, कोई बात नहीं अभी खाएगा टेस्टी टेस्टी खाना, खाना खा के सोएगा। और कल हमारा प्लान है दोस्तों, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे यहाँ से ना दिल्ली के लिए। मैक्स का खाना बनने में पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, सो गया ये देखो हल्का हल्का, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग भी हुई है, सांस भी है तेज तेज ले रहा है। मेरे को ही लग रहा है, मैं थोड़ा पैरानॉइड भी हो रहा हूँ, फटती है ना यार ऐसा कुछ होता है तो, ब्लड ना निकल ही रहा है यार ये देखो ये पूरा, अभी तो रुक गया था अब निकलने लग गया, पता नहीं कितनी देर और निकलेगा यार। तो दोस्तों मैक्स का खाना रेडी हो गया, इसमें है पम्पकिन राइस एंड चिकन, और भी सब्जियां डालते हैं पर आज शॉर्ट टू नोटिस था, बहुत जल्दी में था। अब बाबू कहाँ खाएगा? आज इधर खाएगा, इस रूम में। आज ये रूम थोड़ा ठंडा है ना, स्टे है सारा खा लिया मैक्स ने अच्छे से, बहुत भूखा था यार, थोड़ा सा हमने बचा लिया कल मॉर्निंग के लिए, फिर दिन में तो हम गुड़गांव ही पहुंच जाएंगे। ओए मैक्स बिस्तर में क्या लेके आया? ईट बिस्तर में, बिस्तर में ईट के साथ ही सो गया आज हैं? कोई कह सकता है इसको देख के बीमार है ये शैतान? ओ देखो 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 मस्ती। हाँ 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 कर दो मेरे गद्दे को गंदा कर।